अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं जी जनाब। आज हम बना रहे हैं भिंडी। देखिए, मैंने इतने पीसेस काटे हैं इसके। ये प्याज है मेरे पास, मैं 7 प्याज यूज कर रही हूँ। स्पाइसेस मेरे पास हल्दी है 1 टेबल स्पून, नमक है 1 टेबल स्पून, और इसके साथ मैं गरम मसाला यूज कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, 1.5 जीरा है, और मेरे साथ है कड़ी पत्ता। अब मैं मेरे पास ये देख लें जी, 3 टमाटर मैंने लिए हुए हैं, इनकी मैंने स्किन नहीं रिमूव की। मैंने जो है हरी मिर्चें भी 3 ली हुई हैं, अदरक लहसुन का 1/2 पीस लिए है, ऑयल है मेरे पास। अब हम इसे पैन में डालते हैं। अब मैं ऑयल डाल लूँगी इसके अंदर, अच्छे से ऑयल गर्म हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर डालूँगी भिंडियाँ। आज मौसम भी बहुत खूबसूरत था, माशाल्लाह से धूप निकली हुई थी, और इतने प्यारे मौसम में इस तरह की सब्ज़ी खाने का मज़ा ही कुछ और है जी। ऑयल हो रहा है मेरा गर्म, और माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आप कैसे हो? ठीक ठाक हो? प्लीज़ कमेंट्स में आप बताइएगा आप कैसे बनाते हो इन्हें जी। मैं भिंडी डाल देती हूँ फ्राई करने के लिए। मैं इतनी ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी कि इसका कलर ही ख़त्म हो जाए, नहीं, इसका थोड़ा थोड़ा सा सोते करूँगी, बस नरम करूँगी, ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी, क्योंकि अच्छी तो तभी लगती है ना जब इसकी अपनी ओरिजिनल कलर हो, और मज़ा आता है इसे खाने का। साथ मैंने इसके बनाई थी चपातियाँ, बनाई थी फोरनों में, मैंने इसकी चपातियाँ बनाई थी ओवन में, बड़ी मज़ेदार सी बनी थी। और जी मेरी हो गई फ्राई भिंडी, जो फ्राई हो गई, देखें मैंने इसका कलर नहीं चेंज किया, इसका कलर वैसे का वैसे ही है। थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि बस गर्म हो जाए, और अब मैं इसे निकाल लूँगी आपके प्लेट में। अब देखिए नरम हो गई है ना, ये देखिए मैं इसे उतारने लगी हूँ, इसे मैं उतार लेती हूँ, और इसके साथ मैं इसको सोते कर लेती हूँ। ये मैंने उतार लिया। आप लोग कैसे हो? ठीक ठाक हो? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला आपको ठीक ठाक रखे जी। मैंने भिंडी उतार ली है, मुझे इतनी भूख लगती है ना, जब मैं सब्ज़ी देखी तो बहुत, मुझे ये नई सब्ज़ी जो है ना, भिंडी प्याज मसाला भिंडी फेवरेट सब्ज़ी है। अब मैंने प्याज ऐड कर दिया, इस प्याज के अंदर मैं दूसरा ग्रीन ऑनियन भी यूज़ कर रही हूँ। ग्रीन ऑनियन से ना डिश की डिफरेंट सा टेस्ट आता है, आप भी यूज़ करके देखिएगा, बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। ग्रीन प्याज और दूसरा वाइट प्याज दोनों मैंने काटे हैं, और इसे मैं ब्राउन कर लूँ, इसे भी मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँ, क्योंकि नॉर्मल सब ब्राउन होगा। मैंने इनके कलर नहीं चेंज करते हैं, मज़ा आएगा जब थोड़ी थोड़ी सख्त थोड़ी थोड़ी नरम होगा, अच्छा टेस्ट आएगा इसका। ओहो मेरा कैमरा हिलता है जनाब, मेरा प्याज हो रहा है ब्राउन, अच्छे से ब्राउन हो जाए, और फिर मैं इसका ज़रा सा कलर चेंज होकर मैं इसे उतार लूँगी। आई थिंक सो कलर थोड़ा चेंज हो गया है, हाँ जी कलर चेंज हो गया है, और आप मैं इसे उतारने लगी हूँ। इसका क्या कलर आया ना, ब्राउनिश ब्राउन का। अब मैंने इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ, और इसमें मैं ऑयल भी थोड़ा ऐड कर लेती हूँ, ठीक है ऑयल, क्योंकि इस सब्ज़ी में जितना ऑयल डलेगा तो फिर खाने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं देखती जाऊँगी साथ साथ, जैसे ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऑयल ऐड करती जाऊँगी। अब मैं कड़ी पत्ता ऑयल में फ्राई करूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा कम है। हाँ जी, अब मैंने डाल लिया ऑयल, और ये कड़ी पत्ता जो है ऑयल के अंदर फ्राई होगा। पूरे किचन में इसकी इतनी प्यारी स्मेल आ रही है ना, ऑयल में जो करी पत्ता फ्राई हो रहा है माशाल्लाह से,
बहुत टेस्टी बन रही है सब्जी। और इतनी स्मेल आ रही है पूरे किचन में माशाल्लाह से। अरे मैं इसे उतारने की कोशिश कर रही हूँ कि उतर रहा है पर नहीं निकल रहा। जी मेरा हो गया है करी पत्ता फ्राई। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन ऐड कर दूँगी, वो भी साथ हो जाए फ्राई ताकि अदरक की स्मेल थोड़ी निकल जाए। अदरक की स्मेल ख़त्म होगी तो फिर खाना मत डाल, नहीं तो फिर अदरक की स्मेल आती रहती है। अदरक की मैंने डाल दी, अदरक लहसुन का जो पेस्ट था मैंने इसे बीटर में नहीं बीट किया था, इसे मैंने वो जो होता नहीं जिससे मूली कद्दूकश, हाँ कद्दूकश जो किया था कद्दूकश उससे मैंने इसे क्रश क्रश किया था। अब जो लग रहा है थोड़ा ऑयल कम है, देखिए मैं साथ साथ देखती जाऊँ कि जैसे जैसे मुझे लगता है ऑयल कम है तो मैं डालती जाऊँगी इसमें, क्योंकि अगर ओवर ऑयल हो जाएगा ज़्यादा तो फिर वो खाने को मज़ा नहीं आएगा ये सब्ज़ी। ओके अब ये अच्छे से फ्राई हो जाए, अदरक लहसुन भी फ्राई हो रहा है। थोड़ी देर में से मज़ीद फ्राई करूँगी तो उसकी स्मेल चली जाए। तो इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर दूँगी, जो मैंने 3 टमाटर लिए थे स्किन ऊपर से मैंने रिमूव नहीं की थी क्योंकि बेबी टमाटर छोटे टमाटर थे, सैलेड वाले टमाटर थे और इनकी स्किन जो होती है वो पतली होती है। जी अब मैं टमाटर ऐड कर देती हूँ और साथ में थोड़ी जो मिर्ची काटी थी हरी मिर्च है वो भी मैं ऐड कर दूँगी ताकि सारी मिर्ची वगैरह अच्छे से फ्राई हो जाए। जी जनाब मिर्ची भी चली गई हैं अंदर और मैं तो फ्राई करती हूँ। अल्लाह मिर्चों का धुआं पूरे किचन में, सब कुछ छींकें आ रही हैं। मैं इसे दबाती हूँ ताकि इनका पानी निकले टमाटर का और थोड़ा नरम हो टमाटर। फ्राई होना शुरू हो गई हैं जी मिर्ची भी और टमाटर भी और पूरे किचन में कदर स्मेल हो गई है मिर्चों की। अब मैं इसे दबा कर दूँ ताकि इसका अच्छे से पानी निकले टमाटरों का। अब मैं आए हाल से मैं इसके अंदर टमाटर केचप भी ऐड कर देती हूँ, टमाटर केचप भी ऐड करती हूँ मैं। और इसके साथ में ही मैं ऐड कर दूँगी सारे स्पाइसेस, जी सारे स्पाइसेस ऐड करूँ ताकि वो भी अच्छे से पक जाएं। हाँ जी मुझसे एक सिस्टर ने पूछा था कि टमाटर से छिलका कैसे रिमूव करते हैं, तो आप ऐसा कीजिएगा कि जब आप टमाटर लेकर आते हो थोड़े से इसका सों तो ज़्यादा अच्छा है, तो उन्हें एक कप पानी लेकर बॉईल कर लें और उसमें सारे टमाटर डाल दें। जैसे ही एक बॉईल आएगा ना फौरन आप उतार लीजिएगा। जी मैंने भिंडी ऐड कर दी है इसके अंदर, मसाला भी कितना खूबसूरत रेड सा हुआ है। और अब मैं साथ ही इसके प्याज भी ऐड कर दूँगी ताकि भिंडी और प्याज दोनों में अच्छे से जो नमक मिर्च है वो जज्ब हो जाए। देखिए अब मैं थोड़ी देर से अच्छे से मसाले में मिक्स करूँगी। हाँ जी मैं आपको बता रही थी कि जैसे ही फर्स्ट एक पहला बॉईल होगा ना, बॉईल आएगा चूल्हे में, तो फौरन आपने उतार लेना है यानी कि चूल्हा बंद कर देना है और पानी जो है निकाल देना उसका। और उसके बाद आप जैसे ही उसे ठंडा होने देंगे छिलका ऐसे मतलब खींचेंगे ऊपर की साइड पे तो आसानी से रिमूव हो जाएगा उसका छिलका टमाटर का। और टमाटर आपके साथ सामने वैसे ही होगा, बीट करना चाहो बीट कर लो। अगर वैसे ही वो शॉपर मिलते हैं बैग मिलते हैं उसमें आप फ्रीज करना चाहते हो तो उसमें टमाटर साबुत डाल के फ्रीज कर लो, बहुत ईजी है ये करना तो। हाँ जी अब मेरे मसाला जो अच्छे से फ्राई हो गया है, देखें जी मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं ताकि वो भी अंदर अच्छे से अमसव हो जाएं। मैंने
दिल है अभी से स्टीम पे रख देती हूँ मैं थोड़ी देर, ताकि अच्छे से नरम हो जाए इसकी। ये देखें कि माशाल्लाह से मैं लेमन डाल रही हूँ, लेमन का जूस मैंने ऐड कर दिया, लेमन का जूस ऐड कर दिया मैंने। अब मैं इसे मिक्सअप करती हूँ, अच्छे से मिक्सअप हो जाए। बहुत मज़ेदार सब्ज़ी बनी है, इतनी सख्त भूख लगी हुई है ना, जल्दी से मेरा दिल है तैयार और चपातियाँ बनाएं और खाएं। देखें जी मेरी रेडी हो गई है सब्ज़ी, भिंडी मसाला भिंडी जो है माशाल्लाह से रेडी हो गई है। अब मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ। मैं इसके अंदर सोच रही हूँ कि कसूरी मेथी भी ऐड कर लूँ, मुझे उसकी स्मेल बड़ी अच्छी लगती है। ये देखिए मैं तो आप नज़दीक से आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना खूबसूरत कलर आया और ऑयल भी कितना बुलबुले हो रहे हैं बीच में। देखिए अब मैंने इसके अंदर मैं कसूरी मेथी ऐड करने लगी हूँ, जी जनाब मैंने डाल दी है कसूरी मेथी और नीचे से मैं फ्लेम थोड़ा लो करती हूँ, बंद नहीं की जनाब। मैंने डिश आउट कर लिया इसे और अब मैं बनाने लगी हूँ चपातियाँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।